शुक्रिया। इतनी ज्यादा चीजें लाई थी जो आप खेतों में लगाते हैं देसी किस्म, तो जिसमें ज्यादा उसको दीजिए। ये सिर्फ एनकरेजमेंट है, आप इसको एनकरेजमेंट की तरफ ले लीजिए, ठीक है। हाँ सरपंच साहब, ये गुंडी वाले सरपंच कितने हैं भाई साहब? दो बंदे हो गए से बताएंगे। केवी केवल जो ये एमएस कैंप रखा है, आज जबरदस्त किया। ये वक्तन वक्तन कहते रहते हैं, बुलाते रहते हैं लोगों को, बहुत ज़बरदस्त। ये दो चार आदमी आ गए जो श्रीनगर गए, तो ये वक्तन वक्तन लोगों को बुला के इस चीज़ में गाइडलाइन देते रहते हैं जिम्मेदारी में कि देसी बीज आपने कैसे उगाना है, क्या करना है, देसी सब्जी कैसे उगानी है और देसी खाद कैसे बनानी है। ये वक्तन वक्तन हमको दिखाते रहते हैं, लेकिन आज का जो कैंप इनका हुआ बहुत ज़बरदस्त। मैं इनके कैंप की बड़ी तारीफ़ करता हूँ, तारीफ काबिल है। जिन लोगों ने काम किया तो काम की तारीफ़ करनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा। थैंक यू। प्रोग्राम किए गए इसके हवाले से बताएं। आज MBPGR ICR श्रीनगर के द्वारा एक प्रोग्राम किया गया है, एक रोज़ा PGR अवेयरनेस कम बायोडाइवर्सिटी शेयर किया गया है। इसमें जो है कि हमारा जो ट्रेडिशनल सीड है, चाहे वो दालों का बीज हो, सब्जियों का बीज हो या खाद्यान्नों का बीज हो, इनको हमने प्रिजर्व करके रखना है, इनको बचा के रखना है, ताकि आने वाले टाइम में हम इनसे और उच्च जो अच्छी क्वालिटी का बीज तैयार कर सकें। इस बारे में हमने किसान भाइयों को जानकारी दी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज हमने एक प्रदर्शनी लगा रखी थी, जिसमें किसान भाइयों ने और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। हमने किसान भाइयों के बीच प्राकृतिक खेती, कुदरती खेती और जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के अनुसार जो है मोटे अनाज की जानकारी भी दी। इसके अलावा किसान भाइयों को NPPG द्वारा एक किट भी दी गई, जिसमें सब्जियों के पैकेट थे, एक तारपोलिन शीट थी और साथ में खाने के पैकेट थे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से हमारे जो किसान भाइयों को बहुत ही फायदा होगा। थैंक यू सर। हो गया। क्या कहें, अच्छा है कि ये पहले भी मैंने कहा कि केवी के जो पुंछ में है, ये एक अच्छी संस्था है। इसने काफ़ी सालों से यहाँ पे पुंछ में बहुत बड़ा काम किया है, हर पंचायत को टच किया है, हर सरपंच को बुला के उनके जो ST हैं, दूसरे हैं, कुछ न कुछ उनकी हौसला अफजाई हर वक्त होती रहती है। सबसे बड़ा काम है इनका जो अवेयरनेस है एग्रीकल्चर के बारे में, वो एक बड़ा मुद्दा है और इन्होंने उसको पूरा करके दिखाया है। आज ये जो कैंप लगा है, ये श्रीनगर से पूरी डॉक्टर साहिबान की टीम आई है। मैं अपने पूरे सरपंचों की तरफ से और पुंछ के किसान भाइयों की तरफ से और जितने भी यहाँ पे लोग आज अभी अभी आए हैं, इनकी तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीनगर से यहाँ पुंछ में आके, श्रीनगर में भी बहुत किसान भाई हैं, हर जगह कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से छोड़ के यहाँ पुंछ में आके लोगों को अवेयर करना एक बहुत बड़ी बात है। और हर चीज़ के बारे में इन्होंने बताया है यहाँ पे आके, और यहाँ पे एक मेला लगा है, हर रिलेटेड जो भी सामान है वो दिखाया, ये क्या क्या है, कैसे लगना है, कैसे बीज को उगाना है, कैसे बोना है,
और मशीनरी भी है, तो मैं अपनी तरफ से फिर इनको से पूरी टीम आई है कि इसका सारा श्रेय जो है यहाँ के केवी के जो अली गुप्ता जी हैं पूरी इनकी टीम मुजफ्फर मीर साहब बाकी साहबान इनको जाता है। मैं इनको बात देता हूँ कि ऐसे ही काम करते रहें जितनी देर यहाँ पे लोगों की दुआएं यहाँ से जब जाएँ देते हैं। आज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आरएस श्रीनगर और कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ द्वारा एक वन डे किसान मेले का आयोजन किया गया है। ये मेला जो है पीजीआर अवेयरनेस अब्लिक बायोडायवर्सिटी फेयर के नाम से हमने ऑर्गेनाइज किया गया है। जो हमारे किसान भाई हैं इनके पास, खासकर आदिवासियों की बात करें तो हमारे पास इनके किसान भाइयों के पास बहुत ही ट्रेडिशनल सीड सोर्सेज रहते हैं और यही सीड सोर्सेज जो हैं हमारे जो उन्नत किस्म के बीज हैं इनको तैयार करने के लिए काम आते हैं। तो ये जो बायोडायवर्सिटी फेयर या जो एनपीपीजीआर आज का प्रोग्राम करवा रहा है, इस उपलक्ष्य में किसान भाइयों को यह जानकारी दी गई कि कैसे हम जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ सीड हैं इनको हम कंजर्व करके रखें और इनसे जो, क्योंकि जो भी डिजायरेबल करेक्टर्स होते हैं जो हम सीड्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो कंपनीज करती हैं या प्लांट ब्रीडर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हम नेचर से ही लेते हैं। चाहे वो डिजीज रेजिस्टेंस के रिलेटेड करेक्टर हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के रिलेटेड करेक्टर हो, या ड्रॉट टॉलरेंस के रिलेटेड करेक्टर्स हो, या हाई प्रोडक्टिविटी के करेक्टर्स हो, तो ऐसे करेक्टर्स जो हैं हमारी जो ट्रेडिशनल वैरायटीज में पाए जाते हैं। तो आज के इस मेले में हमने किसान भाइयों को जो है जो अपने ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ सीड हैं इनकी कंजर्वेशन कैसे करनी है इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा जो एनपीबीजीआर के जो हैं मैंडेट्स क्या हैं इनके बारे में जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र ने जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री मानधन योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है या स्माम योजना है, इसके बारे में भी किसान भाइयों को जानकारी दी गई। सॉइल हेल्थ कार्ड है। इसके अलावा जो आजकल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है, इस साल को हमनी जो है आमदनी को आप स्टेबलाइज कर सकते हैं और जमीन की सस्टेनेबिलिटी को हम सस्टेन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस मेले से किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए हैं जिसमें किसान भाइयों ने अपनी जो है प्रदर्शनी लगा रखी है और कृषि विज्ञान केंद्र ने भी अपनी प्रदर्शनी लगा रखी है और किसान भाइयों को जो है आज वेजिटेबल सीड और जो टार्पलिन है एक तिरपाल भी एनपीपीजीआर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ये जो हमारे ट्राइबल फार्मर हैं, मुझे उम्मीद है कि किसान भाई सारे जो आज का प्रोग्राम है इससे लाभान्वित होंगे।